राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और देखिए हम हैं एकदम रेडी, मैं और ये दोनों ही। तो हम आज जा रहे हैं कहाँ? स्वामीनारायण टेम्पल, बाप्स स्वामीनारायण टेम्पल, आबू बाप्स धाबी। टेम्पल, आबू धाबी। तो देखिए ये है, इन्होंने ये पहना है और मैंने ये पहना है आज न्यू सूट। तो ये देखिए, दिखाती हूँ, ये पहना है मैंने सूट। तो बस हम रेडी हैं और हमारी कैब जो है वेट कर रही है। तो मैं आपसे रास्ते में बात करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो हमारा होटल जिसमें हम आए थे कल, और अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से नीचे। ये रूम जो रूम है उसमें इतनी लाइटिंग ज़्यादा नहीं है, तो उसमें देखिए ये पतले इंसान और ये मोटा इंसान है ना। सॉरी, मैच सामने शीशे में देखा, मैं देखो अरे मैच कर रहे हैं हम दोनों। तो जी, निकल चुके हैं हम अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। और ये देखिए, ये बैठे हैं और मैं हूँ, और हमने की है कैब। तो ये है ड्राइवर, और कैब में बस मैं और यही है, हमने शेयरिंग कैब नहीं की थी। तो और ये देखिए दुबई के नज़ारे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में भी लगता है, और बहुत ही अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप बताइएगा कि आपको देखने में कैसा लग रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत ही क्लीन सिटी है, सबसे ज़्यादा मुझे ये लगा। और ये देखिए, यहाँ पर जो है पानी भर रहा है रोड के साइड में, जो कि बारिश का पानी था, दो दिन पहले बारिश हुई थी वो पानी ये था। पंप लगा रखे हैं, ये कहाँ है फेंकते हैं पानी पंप? अभी तो पता नहीं है किधर जाएगा, इतना पानी मैंने फर्स्ट टाइम पंप देखा। निकाल के वहीं ये पे फेंकते रहेगा, अभी भरा है या रहता है? कल का ही है, नहीं ये कल का है, परसों अभी का, ये जैसे ये इसका रोड है सोलह ना। तारीख अच्छा, को ये जो रोड पेगा। है, हाँ रोड पे रोड, पानी भरा हुआ है ये? हाइवे वाला जैसे उधर की साइड भरा हुआ है। ओह माय गॉड, इतना पानी भर गया। हाँ रेगिस्तान है ना, पानी सूखता ना, अंदर तो जाता नहीं है पानी। पानी, जमीन पानी नहीं हाँ सूखती। जमीन पानी सूख लेती तो है नहीं, अब हमारा इंडिया की तरह नहीं है ना कि पानी जमीन पाली ले ले मिट्टी, इधर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में स्कोप ही नहीं है पानी का, वो वापस फेंक देता है ऊपर, है ना। जी बाप रे बाप। आगे देखो उसमें देखो गाड़ियाँ कैसे डूबी हुई हैं पानी में। ये जो बारिश की वजह से हम सोच रहे पानी है कहाँ, और यहाँ पानी कितना भरा मैं देख के मुझे तो खूब आ रहा है, सही बात है, मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा यहाँ पे। गाड़ियां भी खड़ी खड़ी खराब हो रही है, बताओ। बस जिसके इंजन के ऊपर पानी आ गया वो ना तो खत्म, इंजन खत्म सीज हो जाएगा वो तो। बसेस बसेस का ही है, बस बसेस ठीक है। ये लोगों को निकाला कैसे होगा? निकाला होगा कैसे करके बेचारा, शीशे से तोड़ के निकाला होगा ये? नहीं नहीं लोग छोड़ के चले गए ना यहाँ पे ही गाड़ियाँ वगैरह। अच्छा से अच्छा वो तो इतना भरने से पहले निकल गए लोग। भरने से पहले ही निकल गए, ये तो बाद में पानी इतना हुआ ना, ये तो इसकी बॉडीज वगैरह भी इफेक्ट करेंगी अभी इससे। तो पूरा लोहा है, लोहा है यहाँ पे वो यूज करते हैं पॉलीकार्बोनेट। नहीं ये जो बॉडीज वगैरह है इसकी, ये तो लोहे गाड़ी की बनी तो है, गाड़ियों की लोहे की है इनकी। ये पोली को नहीं कहा, वो यूज नहीं करते हैं आजकल, तो सारी टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। और पानी कम भी नहीं हुआ है, देखना कितना था। कम होगा कैसे, ले जाया नहीं रहा ना कहीं पे भी, हाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ना हाईवे पे, ऐसे इतना ड्रेनेज पूरा, सिस्टम है मतलब वो उधर तक पूरे रोड ही रोड थे क्या? नहीं नहीं रोड नहीं, उधर तो नहीं, होगा ना, ये लैंड होगा ना वो जो वैसे, लास्ट में गाड़ी खड़ी है वहां तक तो रोड ही है, उसके उसके बाद बाद लैंड होगा पूरा, वो आगे लैंड है, रेत ही है पूरा। अच्छा, रेत की जगह समुद्र बन गया।
थोड़ा सा और ऊपर होता तो फ्लोटिंग हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे भी पानी था, इन्होंने ये पूरा निकाला उस साइड पे। हाँ हाँ, अच्छा। ये रोड चलाने के लिए, क्योंकि अभी पूरा रोड क्लोज है तो काम कैसे चलेगा। यहाँ से पंप करके उधर डाला है जी। उधर की साइड भी है ना जगह, तो दोनों साइड पानी भर रहा है। उस साइड पे भी है, इस साइड। गाड़ियाँ बिल्कुल डूबी हुई है, इनके इंजन देखो, इनके हो गए हैं, इनके तो खत्म है बिल्कुल। सिर्फ वो जो है ना, वो जो बैटरी वाली है ना, टेस्ला वेस्ला वाली, वो ही चल रही है, बाकी तो देखना वो उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बैटरी वगैरह वाली में तो ज्यादा प्रॉब्लम है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, वो जल्दी बंद होती है। बैटरी में पानी भर गया तो बैटरी खत्म? नहीं, बैटरी में तो पानी होता ही है, वो तो उसमें वैसे होता है ना, वो तो खराब नहीं होती है पानी। लेकिन हाँ, इंजन तो फिर भी वो तो रहेगा ही, मोटर तो उसका सिस्टम तो रहेगा ही खराब। कितना देखो, ये तो शीशे खुले हुए हैं, शीशे खुले हुए हैं या तोड़े हुए हैं? खोले हुए हैं, खुले हुए हैं, अब छोड़ के गए हैं लोग, ऐसे नहीं है कि Yes, what can I do for you? Hello. Yes, yes. Tell me. सुबह ब्रेकफास्ट? अच्छा, तुम अभी क्या खाओगे? बताएंगे वो। अरे तुम देख लो भाई, क्या क्या बना सकते हो बना लो, नहीं बना सकते तो मंगवा लो बाहर से। चावल मत मंगवाना, चावल मत मंगवाना, बस राइस का कुछ मत मंगवाना। ये देख, ये हाईवे पे ना मिट्टी लगा लगा के पानी पानी का वो बना रहे हैं बैरियर, मिट्टी पूरा पूरा जो है ना, तकरीबन तकरीबन 3-4 फुट पानी भरा पड़ा है मिट्टी का दूसरी तरफ हाईवे पे। रेत है ये तो, रेत जो रेत होती है ना, मिट्टी है भाई, रेत से थोड़ा रुकता है पानी, ये मिट्टी से है, ये सब बैरन वैरन से इधर से इधर से मिट्टियां ला रखी है। अजी हाँ हाँ, ये तो ये ग्रीनरी की वैसे थोड़ी ना हो रखी है, वहां से तो मिट्टी ला ला के डाल देते हैं यहाँ पे, तुर्की से इधर से उधर से। वैसे तो ज्यादा यूज होने वाला सिटी में है टर्मिनल 1, 2, 3, लेकिन जो बड़ा है ना वो सबसे बड़ा यही है। पहुंच गए हैं हम अबू धाबी और आ गए हैं बाब्स टेंपल, स्वामी नारायण मंदिर, जो अभी ही बना है और जिसका मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था अभी
है ना जी? हाँ, पिछले महीने ही करता था। लास्ट मंथ किया था या दो तीन महीने हो गए शायद इस बार? नहीं नहीं, लास्ट मंथ ही किया था। तो ये देखिए, जनवरी में ही किया था शायद, जनवरी। ये है मंदिर, इसी मतलब इसी साल किया है, 2024 में ही किया है। तो ये पहुंच गए हैं यहाँ पर और अब जा रहे हैं मंदिर की अंदर। अभी बाहर हैं हम, पार्किंग से आए हैं हम, दुबई से आए हैं हम यहाँ कैब करके, और आने जाने का हमने कैब की है। तो मंदिर में एंट्री के लिए अब चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे जितना दिखा सकते हैं। तो बने रहिए व्लॉग को एंड तक, ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा चल रही है, एकदम गर्म वाली हवा। तो यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो हमने तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो उसकी मेल वगैरह आई थी, पता नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं आएंगे, तो उसकी मेल आ गई थी। हमने यहाँ आने से पहले ही जो है, दुबई आने से पहले ही इंडिया से ही रजिस्टर करा दिया था, है ना जी? हाँ जी। तो इन्होंने कुवैत से कराया था एक्चुअली। हाँ जी। तो आप इंडिया ऑनलाइन साइट पे जाके रजिस्टर करा दिया था। हाँ, और रजिस्ट्रेशन करवा दो, कितने मेंबर्स की एंट्री है। हाँ, तो वो पूरा डिटेल आपको पहले ही फिलअप करनी होती है। रजिस्टर होगा तो उसके बाद ही जो है अंदर एंट्री मिलेगी आपको। तो ये देखिए आ रहे हैं मंदिर के अंदर जाने के लिए। ओके, जा रहे हैं अंदर। तो सिक्योरिटी के टाइम पे वीडियो मना कर दिया था और हमने स्टार्ट। ये है मंदिर की एंट्रेंस। चले चलो आओ। हम अभी नहीं जी, यहाँ से मंदिर दर्शन के लिए उधर से। और धूप, ये जाने का रास्ता है। धूप तो भाई बहुत ज्यादा तेज है। एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड से, वो तो जो आएगा उसको पता चल ही जाएगा। यहाँ पर लगा रखे हैं फ्लावर्स। अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है यहाँ पर। देखिए मंदिर जाने का रास्ता है, और मंदिर के शायद एकदम सामने है ये चर्च, चर्च ऑफ साउथ इंडिया पैरिश, साउथ इंडिया पैरिश आबू धाबी। और ये देखिए ये चल रहे हैं आगे और हम चल रहे हैं पीछे। ये है शू हाउस, यहाँ पर अब शूज जो है कलेक्ट कराने होते हैं। तो हमने शूज़ जो है निकाल दिए हैं, ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं और ब्लॉक्स नंबर है, तो इसमें शूज़ रख के आपको अपने ब्लॉक नंबर याद रखना है कि आपने कौन से ब्लॉक में शू रखे हैं। तो हम बी ब्लॉक में, और फिर अब यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए आए हैं। तो चलते हैं अब, करते हैं दर्शन और अब शूज़ तो उतार दें, और बाहर इतना गर्म हो रहा है पता नहीं कैसे चलेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो भी गर्मी बहुत है, हो सके तो हैट लेकर आइए। हमने ली थी हम, लेकिन छोड़ कर आ गए हैं। और गॉगल्स और सनस्क्रीन लोशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा था रखने के लिए, लेकिन रखा नहीं। ओके ठीक है, माई बैड। चलिए जी चलते हैं, फिर दर्शन करते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और ये तो अच्छे लगते ही हैं हमेशा। ये देखिए मंदिर के बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आपको, कि क्या बढ़िया है।
नहीं है वो होगा गरम, वो चढ़ेंगे ना जब सीढ़ियों पे। ये फोटो खिंचवाने के लिए है, तो बने मिलेगी कितनी देर में? 5 मिनट में आ जाएगी। डिजिटल मिल जाएगा, डिजिटल और सब सब कुछ देगा। अभी खिंचवा रहे हैं, अभी तो हमें मिले रोहित रॉय और जो रोनित रॉय के भाई हैं। मंदिर पर देखिए सीढ़ियों के, अच्छा सरप्राइजिंगली गर्मी है लेकिन सीढ़ियाँ पत्थर इतना गर्म नहीं है इसलिए, और हवा चल रही है, लेकिन हवा चल रही है तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। कैसे हो क्या है? आके पहले दर्शन कर, मंदिर मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। ये देखिए एंट्री, इसके बियॉन्ड कैमरा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, अंदर गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो बस अंदर से हम मिलते हैं दर्शन करने के बाद।